पर इंदौर में नए नए बीजेपी में आयतित हुए नेता अक्षय कांति बम, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और कभी भी वो गिरफ्तार हो सकते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है। अग्रिम जमानत पर फरियादी ने हाई कोर्ट में आपत्ति ली है, मतलब जो अग्रिम जमानत की अर्जी थी पहले वो खारिज हो गई और फरियादी ने अदालत में आपत्ति भी दर्ज कराई है लिखित में। अब लिखित आपत्ति दर्ज कराने के लिए अदालत ने 7 दिन का वक्त दिया। अगली सुनवाई 24 मई को होगी। अदालत फटकार लगा चुकी है, पुलिस को कह चुकी है गिरफ्तार करके लाइए उसी पुलिस को जो पुलिस अक्षय कांति बम के प्रोटेक्शन में उनके घर के बाहर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में वास्तुदोष पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कार्टून और कार्टून के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा गया है। नक्सल एनकाउंटर पर सवाल उठाने को लेकर यह तंज कसा गया है कार्टून के जरिए। बीजेपी ने भूपेश बघेल पर हमला बोला है। वास्तुदोष नहीं, मस्तिष्क दोष। कार्टून के जरिए बीजेपी ने भूपेश बघेल पर हमला बोला है। और वास्तुदोष वाले बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। शुक्ला ने कहा कि बीजेपी का पोस्टर स्तरहीन है, बीजेपी मति भ्रम का शिकार हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी चुनाव में बुरी तरह पराजित होने वाली है, ऐसी स्थिति में बौखलाना स्वाभाविक है। नक्सल मुठभेड़ पर कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाए, वहां की जनता उठा रही है। पोस्टर स्तरहीन है, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मति भ्रम की शिकार हो गई है। चार चरण में देश में चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की विदाई सुनिश्चित हो गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। हो सकता है कि 11 सीटों में उसका खाता भी न खुले। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बौखलाना स्वाभाविक है और इस बौखलाहट में स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नक्सली बता के आप ग्रामीणों को मार रहे हैं और ग्रामीण उसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो विपक्ष होने के नाते उस बात की जांच करना हमारा। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह शिकस्त होने वाली है। यह दावा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया है। उन्होंने कहा कि हार के बाद भी कांग्रेस नेता ऐसा कहते हैं तो ये मस्तिष्क दोष की दिशा में संकेत करता है। देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी को जनता ने अपदस्थ किया है छत्तीसगढ़ की शासन से, कांग्रेस के नेता अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो नक्सलवाद के मामले को लेकर हो, अन्य विषय पर हो, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें नकारा है। इस बात को वो स्वीकार करें और लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिलने वाली है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उसके बाद भी यदि सबक नहीं लेते कांग्रेस के नेता तो उनको मुबारक। देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं और जैसी राजनीति कांग्रेस की हो रही है, ये इसी दिशा में संकेत करता है।